छत्रपति शिवाजी महाराज के यहाँ हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सब लोग थे। तो इसीलिए आज आपको हिंदू भी दिख रहा है यहाँ पर, मुस्लिम भी दिख रहा है और सभी धर्म का दिख रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती की धूम है आज, और सुबह से ही ये सारा धूम चल रहा है। और इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हूँ काशीमीरा चौक पे, यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा है, और जिसको पूरे लाइटिंग से सजाया गया, एक खूबसूरत प्रतिमा दिख रही है। हमारे साथ हैं साजिद पटेल जी, जकी पटेल जी, आप लोगों ने भी इस खूबसूरत प्रतिमा पे फूल माला चढ़ाया, क्या संदेश देंगे आज के डेट? मैं आज के दिन पहले तो सभी हमारे भारत के लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, और यही कहूंगा कि जैसे हमारे भारत देश में, हमारे महाराष्ट्र में शिव जयंती को इतने हर्ष उल्लास के साथ पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में मनाया जाता है, ये मैं यही सभी लोगों से यही कहूंगा कि अमन शांति के साथ इसी तरीके से जयंती मनाई जाए, और सभी लोगों को फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, बड़ा प्यारा मैसेज दिया छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पे, कि इसी तरह से हम सब मिलकर के जयंती भी मनाएं, मिलजुल करके रहें भी। और मैं एडिशनल कह रहा हूं कि जिस तरह से ये सजावट देखने को मिली आज छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टेच्यू के पास, ये कुछ ऐसा इंतजाम हो कि इस तरह का सजावट हमेशा हो, तो कैसा लगेगा? व्हाट यू फील? सभी को अच्छा लगेगा। आपके माध्यम से पहले तो छत्रपति शिवाजी महाराज की शिव जयंती की मैं सभी देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और वो जैसा एक एकता का मिसाल थे उनके, इसमें उनकी सेना के अंदर हिंदू मुसलमान सभी धर्म के लोग जैसे शामिल थे, वैसे ही मैं देशवासियों को बोलना चाहूंगा कि वो जैसी मिसाल उन्होंने हम अपने लिए कायम किए, वैसे हम सब भी एक साथ मिलके एक दूसरे के लोगों को हाथ बटाए, एक दूसरे के सुख दुख में काम आए और वो मिसाल को आगे चलाते रहे, और इस त्योहार को जितने अच्छे से हम लोग मना सके उतने अच्छे से खुशी से एकजुट होकर हम मनाते रहे। हमारे भी मीरा भाईंदर में हम लोग सब एकजुट होकर मना रहे हैं, ये आपके माध्यम से लोगों को दिख ही रहा है कि हम क्या खुशियां मना रहे हैं और किस हिसाब से इसको हम मना रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बड़ा ही प्यारा लग रहा है जैसा कि इन्होंने मैसेज दिया, मतलब ये एक त्योहार जैसा मनाया जाता है और दिख रहा है महाराष्ट्र में तो एक अलग ही रौनक है आज के दिन में। अभी जकी भाई ने कहा, साजिद भाई ने कहा कि हम सब मिलजुल करके रह करके और एक साथ एकता के साथ जो है ये त्योहार भी मनाएं और एकता के साथ रहे भी, क्या मैसेज देंगे आप? मैसेज हाच आहे कि महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत आहे छत्रपती शिवाजी महाराज, त्यांच्यामध्ये 18 पगड जाती आणि सर्व धर्मांना त्यांच्यामध्ये जागा होती, आणि जसं या दोघांनी सांगितलेलं आहे की एकतेचा संदेश जो आहे तो देशाला आपल्या देशामध्ये एकतेचं हे सदैव आपला चांगला संदेश द्यायलाच लागतो आणि देतोच आपण। त्या हिशोबाने शिवजयंतीच्या सर्व प्रेक्षकांना आणि भारतवासियांना आणि महाराष्ट्राच्या जनतेला हार्दिक शुभेच्छा। ग्रेट मैसेज, यस जकी भाई क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं पहले तो हमारे मीरा भाईंदर की नगर पालिका का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतनी खूबसूरत लाइटिंग शिवाजी महाराज के यहाँ पर की है। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा, जैसे आपने कहा क्या हर साल इसी तरीके की लाइटिंग होगी, क्या इसी तरीके की सजावट होगी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हर साल इसी तरीके की सजावट आप कीजिए और हम इसी तरीके से एक त्योहार के जरिए, त्योहार जैसा ही एक शिव जयंती छत्रपति शिवाजी महाराज का मनाए। और जैसे कि साजिद भाई ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज के यहाँ हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सब लोग थे। तो इसीलिए आज आपको हिंदू भी दिख रहा है यहाँ पर, मुस्लिम भी दिख रहा है और सभी धर्म का दिख रहा है। तो फिर से मैं सभी देशवासियों को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजीव भाई, एक सवाल आपसे है, उनसे बात करूंगा मैं। वो सवाल ये है कि मुझे लगता है कि आप दोनों भाई मीरा भाईंदर में बहुत घूमते हो, वो घूमना मतलब वो टाइप का नहीं, कहीं पे सामाजिक काम से जाते हो, ऑफिस के काम से जाते हो, लोगों की समस्या को देखने के लिए जाते हो, आपको ऐसा लगा क्या कि इन दिनों पिछले 1.5-2 साल में जब से आयुक्त दिलीप ढोले जी बने हैं, मीरा भाईंदर में खूबसूरती ज्यादा दिखने लगी है, रोड क्लीन अलग अलग जगह पे, क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है या सिर्फ मुझे महसूस होता है? आपको नहीं है, मीरा भाईंदर के सभी जनता को ये चीज महसूस होती है, और हमारा मीरा भाईंदर जितना सुंदर हमारे कमिश्नर साहब बना सके उतना वो बनाएंगे, और हमारे को
जितना हमारा मीरा भाईंदर खूबसूरत देखने, इससे ज्यादा आने वाले टाइम में देखने मिलेगा। अभी आने वाले टाइम में अपने इधर फ्लाईओवर चालू हो जाएगा, मीरा भाईंदर के अंदर मेट्रो चालू हो जाएगी और खूबसूरती बढ़ेगी। तो हमको उनसे पूरी उम्मीद है और वो हमारे उम्मीदों पे खरा उतर रही है, हमको दिख रहा है। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी के क्या कहने, उनका नाम ही काफी है। और यहाँ पे मैं जब कासीमीरा पुलिस स्टेशन में था और वहां से जब इस भव्य प्रतिमा को देख रहा था तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये सबकी रक्षा कर रहे हैं, पुलिस ने ये सबकी रक्षा कर रहे हैं। क्या कहेंगे? खूब छान बोलला तुम्ही, आणि हे खरं आहे। जर आपण पाहिलं की हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो स्मारक आहे 1997 पासून आहे, आज साजिद असो दुखी असो आम्ही लहानपणापासून या ठिकाणी वाढलोय, पण आपण पाहत आलोय की या छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती फक्त शासकीय पद्धतीने पुष्पहार अर्पण करून केली जात होती, परंतु हे कुठेतरी मनात खटकत असताना मराठी एकीकरण समितीने विचार केला की आज आपल्या शहराचं हे नाक आहे, छत्रपती शिवाजी महाराज या महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक नागरिकाचं दैवत आहे आणि या दैवंताची जी जयंती आहे ती उत्साहात जल्लोषात साजरी झाली पाहिजे। आज सर्वत्र गल्ली गल्लीमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जयंती उत्सव साजरा होतो। या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्याला स्वराज्य निर्माण करून दिलं आणि या मीरा भाईंदर शहराची एक जी शान आपल्या नाक्यावरती आहे ती जर ओस पडत असेल ते कुठेतरी मनामध्ये खटकत असताना मराठी एकीकरण समितीच्या माध्यमातून गेल्या 2 वर्षापासून हा जो आयोजन आपण पाहताय, हा जो भव्यदिव्य कार्यक्रम पाहताय, तो आपण आयोजित केलेला आहे। यासाठी सर्व शहरवासियांनी, पोलीस प्रशासन, मीरा भाईंदर महानगरपालिका, माझे भाऊ साजिद, जकी, या सर्वांनी सहकार्य केलेलं आहे आणि असंच जर मीरा भाईंदर मध्ये एकता राहिली तर आपलं शहर नक्कीच प्रगती पथावर असणार आहे आणि यापुढे आपण या शहराला इतर शहरापेक्षा नक्कीच पुढे जाऊ। आज नवी मुंबई स्वच्छ सुंदर शहर म्हणून त्यांना अव्वल नंबर मिळतो। मला माननीय आयुक्त साहेब, ढोले साहेब यांच्याकडून नक्कीच खात्री आहे की त्यांच्या या सर्व दक्षतेखाली शहर नंबर 1 मध्ये येणार आणि यापुढे देखील ते आम्हाला असं सहकार्य करणार आणि पुढच्या वर्षी याच्यापेक्षा भव्य दिव्य शिवजयंती उत्सव मराठी एकीकरण समिती करणार। तुम्हा सर्वांचं सहकार्य अपेक्षित आहे। मराठी एकीकरण समिती के गोवर्धन देशमुख जी ने बहुत ही प्यारा मैसेज दिया और जिस तरह से वो 2 साल से कर रहे हैं, जो एक उनके दिल में एक था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो एक भव्य प्रतिमा है ये कितनी सुंदर हो सके, क्या हो सके, वो उसके ऊपर भी सोचते रहे और उन्होंने मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप ढोले जी का विशेष आभार भी माना है और ये भी कहा है कि ये जो दो भाई है, मैं हमेशा कहता हूँ ये दो भाई, क्योंकि ये दो भाई बहुत ही शांत प्रति मतलब व्यक्ति हैं और मुझे लगता है कि यही दो हैं जो हर किसी के मतलब हर किसी से इनकी बनती है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी के लोग हो, ये आप दोनों में कुछ तो कला है कि बीजेपी देख लो, शिवसेना देख लो, आप मन से देख लो, कोई भी देख लो, वो दो आदमी को कभी भी ये नहीं बोलेगा कि ये दो व्यक्ति है। ऐसा क्या खास करते हो? ये आप लोगों का प्यार है और हमारे माँ बाप की शिक्षा है कि हम सबसे एकजुट बन के रहते हैं, हम कभी पार्टी नहीं देखते, पॉलिटिक्स नहीं देखते, हम समाज कार्य पहले देखते हैं और हम हमारे भाइयों के साथ, जैसा मैं अभी इनका जो हमारे शहरवासी जो इधर सुबह से लेके अभी तक सबकी खातरी में लगे, जितने भी प्रमुख नेता, जितने भी जो भी लोग आ रहे हैं उनका सबका स्वागत करने में लगे है, मैं सबसे पहले तो इन लोगों का स्वागत करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम को नगर पालिका के माध्यम से ये प्रोग्राम हो रहा है, पर ये खड़े रह के जो प्रोग्राम को सक्सेस करना ये सबसे बड़ा कार्य है, ये मेरे भाई लोग कर रहे हैं। मैं सबसे पहले इनका स्वागत करना चाहता हूँ कि अभी तक इन्होंने सबका किया है, जाने से पहला मैं इनका स्वागत सभी भाइयों का करके जाना चाहता हूँ कि इतने सक्सेसफुल प्रोग्राम को सक्सेस करने के पीछे इन सब भाइयों का हाथ है। कड़ी मेहनत लगती है, पूरे दिन लोगों का आना, चाहे वो बड़े नेता हो, छोटे नेता हो, आम आदमी हो, समाज सेवक हो, सबका आना और सबको संभालना, सबका रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना और इतने बड़े भव्य मतलब समारोह हम कहेंगे, ये तो एक मतलब त्योहार जैसा है, उत्सव जैसा है। तो ऑफ कोर्स मैं भी आपको इस बात के लिए जो है दिल से धन्यवाद, मराठी समिति ने जो किया है, जो कर रहे हो आप, वो एक्सीलेंट है। समिति महाराष्ट्र राज्य संघटना एक बिगर राजकीय व्यासपीठ है, वेगवेगळ्या जातीपातीतील लोकांना एकत्रित करून कुठेतरी एक स्वराज्य तसंच राहावं ते जपण्याचा एक प्रयत्न करते। इथे कोणती जात पात बांधली जात नाही,
एकच धर्म म्हणजे तो म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज या एका झेंड्याखाली प्रत्येक जण एकत्रित होण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न आहे. इथे कोणताही राजकीय हेतू नाहीये, कोणताही मोठे पण नाहीये. तुम्ही या शहरामध्ये मीराबाई इंदर शहरामध्ये जवळजवळ रात्रभर जागून 28 मोठे फळक लावलेले आहेत. एकाही फळकावरती तुम्हाला कोणत्याही शिलेदाराचा फोटो दिसणार नाहीये. फक्त एकच नाव, आम्ही मराठी. मराठी म्हणजे कोण? जो या महाराष्ट्रात राहतो, या महाराष्ट्रातल्या संस्कृतीला समजतो, जो महाराष्ट्राच्या अस्मितेबद्दल आदर करतो, जो आपला आहे तो मराठी. मग तो कोणत्याही जातीचा असू द्या, कोणत्याही पंथाचा असू द्या आणि कोणत्याही समाजाचा असू द्या, तो मराठी म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज. मराठी एकीकरण समिति का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर किया है. तो सभी मराठी एकीकरण समिति का, उनके मेंबर्स का हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि आपने दो दिन इतनी मेहनत करके, हफ्ता भर इतनी मेहनत करके इतने अच्छे आज जयंती का एक त्यौहार ही कहना चाहिए कि त्यौहार आपने सक्सेस किया है. इसको लेकर के मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतनी अच्छी सोच लाई और इतना अच्छा अरेंजमेंट किया. सभी लोगों को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं. छत्रपति शिवाजी महाराज.